हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रकाश नार्थ संपादक महोदय, आज गांव सीलदर के व्यापक संघ ट्रेड सेवा समिति की बैठक सुरेश माले की अध्यक्षता में आयोजन किया गया, जिससे होली के त्योहार को देखते हुए विभिन्न निर्णय लिए गए। वो होली को सादगी व धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। वो प्रत्येक महीने की 14 को सभी दुकानें बंद रहती है। इस बार होली के दिन ही 14 होने के कारण व्यापार संघ ने 14 को दुकानें खुली रखने का प्रस्ताव किया है। व्यापक संघ के 14 को दुकानें खुली रखने का प्रस्ताव दिया गया है, जिससे आम जन को त्योहार के दिन परेशानी नहीं होवे। साथ ही सभी व्यापार संघ के सदस्यों व व्यापार संघ अध्यक्ष सुरेश कुमार माली ने कहा कि जीवित दान चारण जो फिलहाल सीलदर सामुदायिक व्यवस्था केंद्र पर नर्सिंग अधिकारी के पद पर सेवाएं दे रहे हैं, वो सिरोही नर्सज के जिला अध्यक्ष भी हैं। इन्हें एकीकृत महासंघ सिरोही के जिला अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी दी गई है, जो खुशी और गर्व की बात है। ये स्थानीय है, वो व्यापार संघ का हमेशा इनका सहयोग रहा है, इसलिए जीवित दान चारण का भी ट्रेड सेवा समिति व कार्यकारिणी ने माला व साफा पहनाकर सम्मानित किया। चारण ने सभी का हार्दिक आभार व्यक्त किया। वो व्यापार संघ के किसी भी कार्य के लिए हमेशा तन मन के साथ जुड़े रहने व 25 मार्च को सेलदर के सभी व्यापारियों का स्नेह मिलन समारोह आयोजन करने का आह्वान किया। सुरेश कुमार माली व्यापार संघ अध्यक्ष, भभूत मल पुरोहित उपाध्यक्ष, वेलजी सोनी, बाबूलाल पुरोहित, केराराम चौधरी, तगाराम मेघवाल, प्रताप पुरोहित, कांतिलाल सोनी, ललित कुमार पुरोहित, सदाराम चौधरी, अशोक माली, शैतान सिंह, अर्जुन सिंह, गलबा राम मेघवाल, कई व्यापारी उपस्थित थे। सुरेश कुमार माली अध्यक्ष ट्रेड सेवा समिति सीलदर, जागरूक टीवी की सीलदर से खास रिपोर्ट।